अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने बनाया है पिज़्ज़ा, जो कि मैं आपको इसकी रेसिपी साथ साथ देती रहूँगी। और ये इनके जो है ना 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, और उसकी खुशी में इन्होंने पिज्जा बना लिया ना। और जबरदस्ती मेरे भाई मियाँ ने बोला है तुम्हारे 200 कंप्लीट हो गए हैं सब्सक्राइबर, तो तुम जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा बनाओ। मैंने बोला भाई 200 के तो नहीं हुए ना। भाई इंशाल्लाह 200K भी हो जाएंगे। और ये जितनी भी बहनें इनको सपोर्ट कर रही हैं, तो इसको जल्दी जल्दी सपोर्ट आपका बहुत करें, बहुत और थैंक मुझे पिज़्ज़ा यू। मिलता रहेगा। मुझे क्या है, मैं तो पिज़्ज़ा ही खा रहा हूँ। और आप जो जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आज आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि आप लोग सोचते होंगे मैं पता नहीं कौन से कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, तो यकीन करें कुछ भी नहीं है। ये जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है वो मेरे हस्बैंड का है। जब वो रात में आते हैं तो तब मैं उनके मोबाइल से करती हूँ, अदरवाइज मेरे पास ये सिंपल मोबाइल है आइटल का। मैं आपको करीब से ये दिखाता सिंपल हूँ। मोबाइल है आइटल का, कोई ये ये लग्जरी नहीं देखिए है। ये, और इनकी फरमाई ये है कि मुझे मोबाइल चेंज करके दें। पर अब मैं कहती हूँ कि अब मेरा काम अच्छा हो रहा है, मुझे पसंद कर रहे हैं, तो अब मेरी रिकॉर्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो बस ये आपको मैंने मुझे दिखाना था कि ये है मेरा मोबाइल, कोई लग्जरी नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। देखें काम अच्छा करेंगी, मोबाइल को कोई मायने नहीं रखता। मैंने कहा तुम उसको मोबाइल ले लो, चेंज कर लो, तो अगर ये नहीं, अभी नहीं करूंगी मैं, अब कह रही अभी अब मुझे चेंज नहीं करना, अब मैं इसी मोबाइल पे काम करूंगी ना, और इसी मोबाइल से अपना चैनल भी आपको मोनिटाइज करके दिखाऊंगी ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होगा। चले आए मेरी YouTube फैमिली, मुझे बताएं कि मेरा पिज़्ज़ा भैया कैसा लगेगा। देखें, सबसे पहले करीब करके ये दिखाती इन्होंने हूँ मैं। पिज़्ज़ा बनाया है, और सिर्फ 200 अभी इनके सब्सक्राइबर हैं, उसकी खुशी में। तो भाई जितनी बहनें इनको देख रही हैं, सब जल्दी जल्दी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मुझे लग रहा है अनकरीब मैं मोटा होने वाला हूँ बहुत, जब क्योंकि तो ये मैं हर वीडियो में कहेंगे कि 300 हो गए तो मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। भाई 200 में जब खिलाएं अब तो इनको भाई 100K पे मिलेंगे। आप सबको, अगर मुझे बहुत मोटा देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, मैं डेली पिज्जा खाऊंगा। चलिए आज शुरू करें। बिस्मिल्लाह चलो भाई पिज्जा। रहमान रहीम, ये देखें इतना फ्लफी फ्लफी। लगा लगाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महरीन अब्बासी और आप अपना YouTube चैनल देख रहे हैं महरीन अब्बासी व्लॉग्स। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। 3 बच्चों के साथ पूरे दिन की वीडियोस जमा करना, उसके बाद रात में बैठ के अपनी सारी एडिटिंग वगैरह करना, सब कुछ करके आपको एंटरटेन करने के लिए एक वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको पसंद आए। इस पे हम हाउसवाइफ के लिए एक लाइक तो बनता है। तो मुझे उम्मीद है मेरी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली मुझे एक लाइक तो देगी, और अगर और पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं आपको बताती हूँ एक राज की बात, कि मैं अपने घर में रहते हुए 200 में एक लार्ज पिज़्ज़ा कैसे बनाती हूँ। आप बहनों को पता है कि पिज़्ज़े में जो डलती हैं चीज़ें, उसमें सबसे ज़्यादा जो महंगी चीज़ होती है वो होती है चीज़, यानी कि पनीर। देखें अगर कोई इंसान बाहर निकलता है और उसके बच्चे ज़िद करते हैं पिज़्ज़ा की, और एक फैमिली अगर बैठ के खाती है, अगर उसके 5 बंदे हैं घर में और वो बैठ के खाती है, तो उसको एटलीस्ट वो 4 से 5 थाउजेंड के पिज़्ज़े पड़ जाते हैं। तो अगर आप घर में ला के ये चीज़ें घर में बनाएं तो आपको कितना ही कॉस्ट पड़ जाएगा। आज मैं आपको बताऊँगी कि मुझे कितनी आसानी है ये सब सामान घर में ला के पिज़्ज़ा बनाने की, और टेस्ट में बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होता। आज के महंगाई के दौर में अगर बच्चे ज़िद करें और मैं भी ज़िद करूं, तो हस्बैंड यकीनन वो भी बेचारे परेशान होकर हमें ज़रूर खिलाएंगे, पर क्या हमारे पूरा महीने का बजट आउट हो जाएगा। एक तो सामान ला के घर में रखने का ये फ़ायदा हो जाता है कि जब बच्चे मांगते हैं तो आप उठ के बना सकते हैं, और सेकेंडली आपके हस्बैंड पे भी लोड कम हो जाता है इस महंगाई के दौर में। और मैं पनीर लेने जाती हूँ इम्तियाज़, वहाँ से बहुत सारे ब्रांड्स के आप लोगों को चीज़ मिलेंगे, पर जो मैं लेके आती हूँ वो 2 kg लेके आती हूँ एडम्स का चीज़ का, पर आप 4,500 का। पर आप उस 4,500 को मत देखें, वो आपके बनाने पे है, पर मेरा एटलीस्ट वो 4 to 5 month चलता है बिल्कुल इजीली, और उसमें एटलीस्ट मेरे ख़्याल से 40 पिज़्ज़े बन सकते हैं। और अगर आप 40 पिज़्ज़े की कॉस्ट लगाएंगे तो
तो आपका अंदाज़न 200 रुपये का भी पिज़्ज़ा नहीं पड़ेगा जो आप घर में बनाएंगे। तो आप ख़ुद ही डिसाइड करें, आप बाहर से मंगवाएंगे या घर में बनाएंगे। झटपट बनेगा, कोई इसमें ट्रिक्स नहीं होती, बिल्कुल सिंपल रेसिपी होती है। और जो मैं डो बनाती हूँ उसमें नीम गर्म पानी से मैं गूंथती हूँ, और सेकेंडली आप उसमें खुश्क दूध डालें, ताकि आप ख़ुद देखिएगा कि आपका डो कितना सॉफ्ट बनेगा और कितना अच्छा बनेगा। और मैं बिल्कुल इजीली पिज़्ज़ा बनाती हूँ पतीली के अंदर। मेरे पास फर्स्ट तो माइक्रोवेव है ही नहीं, और सेकेंडली अगर मैं माइक्रोवेव में बनाने का सोचती भी तो बिजली के बिल आजकल इतने महंगे हुए हैं कि मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं पिज़्ज़ा बनाऊँ माइक्रोवेव में या अवन में। अब देखें, इतनी अच्छी रास की बात बताने पे मुझे एक लाइक तो बनता है, और अगर और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यही मेरी छोटी सी रूटीन होती है जो मैं आपके साथ शेयर। एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप कौन सा फेस वॉश अपनी बेटियों को कराती हैं जो कि 8 और 7 ईयर्स की हैं। तो ये देख लें, सोपेक्स के नाम से ये फेस वॉश है। इसमें लिखा हुआ ये डेली फेशियल क्लिंजर, मॉइस्चराइजिंग एंड रिफ्रेशिंग, और इसमें क्या है, फॉर्मुलेटेड विद एलोवेरा एंड विटामिन ई। तो देख लें, इसमें कोई भी केमिकल वगैरह नहीं है। ये मैंने दूसरी मेरी बॉटल है, आई थिंक मुझे 6 मंथ हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। और ये कहाँ से मिलेगा, आजकल ईरानी सामान मिल रहे हैं, तो मैं उसमें से अपने लिए लेके आई थी, मुझे अच्छा लगा कि लाइट सा है, फिर मैंने अपनी बेटियों के लिए इस्तेमाल किया। तो अगर आपको भी अच्छा लग रहा हो तो आप भी लाजमी बताइएगा मुझे आपको कैसा लगा, इस्तेमाल करके मुझे भी लाजमी बताइएगा। और यहाँ देख लें, मेरा पिज़्ज़े की डो तैयार है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप पतीली में बना रहे हो तो स्टैंड लाजमी रखिएगा, वरना स्टैंड ना रखने से आपकी जो डो है वो नीचे से पूरी जल जाएगी और फिर मज़ा नहीं आएगा, और वो बाहर वाला टेस्ट भी नहीं आएगा। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे लाजमी कॉमेंट में बताइएगा कि मैं लो कॉस्ट में अच्छा पिज़्ज़ा बनाती हूँ, या आपको भी जो आइडिया है मुझे भी बताइएगा लाजमी। और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा।